नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। भारतीय सीमा से लगे हुए चीन के तिब्बत में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। साथ ही भारत के केरल में भी वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फरवरी में भारत की 3 दिन की यात्रा पर आ सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का यह भारतीय दौरा 24 से 26 फरवरी के बीच संभावित है। हालांकि अब तक यात्रा की तारीखों की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग ट्रायल का अगला सत्र शुरू कर दिया है। संसद में दोनों पक्षों की ओर से शुरुआती तर्क पेश करने के बाद अगले सत्र की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति ट्रंप पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। ट्रक तस्करी के आरोप में रूस की जेल में बंद एक अमेरिकी इजरायली महिला को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने माफ कर दिया। इसराइली राष्ट्रपति नेतन्याहू के आग्रह पर पुतिन ने नामा इस्साकर को रिहा किया। नामा को पिछले अप्रैल में 7.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। फ्रांस में पेंशन सुधार के खिलाफ हड़ताल और भारी विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी पेरिस की सड़कों पर उतरे हजारों सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। फ्रांस में पिछले 2 महीने से पेंशन सुधारों के खिलाफ जारी देशव्यापी हड़ताल से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। जर्मनी के उल्म में एक अस्पताल से पुलिस ने एक नर्स को नवजात बच्चों को मारने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया। नर्स पर आरोप है कि उसने दिसंबर में जन्मे 5 बच्चों को मारने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के मिशन के दौरान मारे गए 3 अमेरिकी फायर फाइटर्स को आधिकारिक कार्यक्रम में श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद उनके साथियों को सम्मान भी दिया गया। इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन न्यू साउथ वेल्स रूरल फायर सर्विस की तरफ से किया गया। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में आई बारिश और भीषण तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है। घंटों तक लगातार हुई मूसलाधार बारिश की वजह से यहां बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाढ़ का पानी न सिर्फ सड़कों पर भर गया बल्कि सैकड़ों घरों में भी पानी घुस गया है। थाईलैंड के चाचोंगसाओ में एयरपोर्ट से ब्रीडिंग स्टेशन ले जाते वक्त 2 जिराफ कंटेनर से भाग गए। उनकी तलाश जोरों से जारी, कई जगह सीसीटीवी फुटेज में उनको देखा गया। दोनों जिराफ की तलाश में पैरामोटर्स की भी मदद दी जा रही। अमेरिकी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने 60 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च कर अंतरिक्ष में भेजा। इन सैटेलाइट्स को फाल्कन 9 रॉकेट से ले जाया गया जो फ्लोरिडा स्थित केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च हुआ। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 170 हो गई। साथ ही कोरोना वायरस से 1,700 नए लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। नए आंकड़े सामने आने के बाद पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 7,000 से ज्यादा हो चुकी है। तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की वजह से पूरे चीन में हाहाकार मच गया है। वुहान में फैले कोरोना वायरस ने बुधवार को 37 और लोगों को मौत की नींद सुला दिया। अब तक कुल 170 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कोरोना वायरस से 1,700 नए लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। नए आंकड़े सामने आने के बाद दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 7,711 हो चुकी है। वहीं संदिग्धों की संख्या 12,167 बताई गई है। डॉक्टरों के मुताबिक संक्रमित लोगों में हर 5 में से एक व्यक्ति में गंभीर निमोनिया के लक्षण देखे गए हैं। चीन में बिगड़ते हालात को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा कि जल्द ही इस मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा कि कोरोना वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाए या नहीं। कोरोना वायरस से चीन में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वायरस से निपटने के लिए सेना को उतारने का ऐलान किया है। वहीं मृतकों और मरीजों की बढ़ती संख्या देख भारत समेत दुनिया भर के देश दहशत में आ गए हैं। भारत, ब्रिटेन, रूस, इंडोनेशिया और म्यांमार ने चीन की उड़ानों को रद्द कर दिया है। साथ ही चीन के प्रांत हुबेई की राजधानी वुहान में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करने का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को अमेरिका ने विशेष विमान के जरिए 200 लोगों को वापस अपने देश बुला लिया। इसी तरह जापान ने भी अपने 206 लोगों को सुरक्षित टोक्यो पहुंचा दिया। भारत भी वुहान में फंसे 300 छात्रों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी में लगा है। इसके अलावा फ्रांस और दक्षिण कोरिया भी अपने लोगों को विशेष विमान से वापस निकालने की तैयारी कर रहा है। कोरोना वायरस के रोगी भारत में भले ही न मिले हों, लेकिन भारत टॉप 30 देशों की सूची में शामिल है जिसको इससे सबसे ज्यादा खतरा है। आज तक ब्यूरो। चीन में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी सरकारों को चेतावनी दी है कि चीन से फैलने वाले कोरोना वायरस पर कार्रवाई करें। वहीं दूसरी तरफ इसका असर चीन में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर भी होने लगा है। दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल गूगल ने चीन में अपने सभी कार्यालयों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है, जिसमें हांगकांग और ताइवान के ऑफिस भी शामिल हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि ये दफ्तर कब तक बंद रहेंगे, लेकिन जिस तरह से चीन में कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है, उससे यही लगता है कि जब तक वायरस पर काबू नहीं पा लिया जाता, तब तक ये कार्यालय बंद रहेंगे। चीन में घातक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 170 हो गई है। गुरुवार को चीन की सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस से हुबई प्रांत में 37 लोगों की मौत सामने आई है। इटली के कॉस्टा क्रोशियर नाम के क्रूज पर सवार 6,000 यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस क्रूज पर सवार दो चीनी नागरिकों में कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल क्रूज पर सवार किसी भी यात्री को क्रूज से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। पहले क्रूज पर मौजूद सभी यात्रियों की जांच होगी, उसके बाद ही वो कहीं जा सकेंगे। अभी क्रूज पर ही सभी यात्री मौजूद हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि सभी यात्रियों की जांच में थोड़ा वक्त लग सकता है। जिन दो चीनी नागरिकों में वायरस होने का खतरा है, वो 25 जनवरी को कोस्टा सामाल्डा से क्रूज पर सवार हुए थे, लेकिन क्रूज पर सवार होने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें बुखार और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें क्रूज से उतार लिया गया। फिलहाल उनकी भी जांच की जा रही है। यूरोपीय संसद ने ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के समझौते पर अपनी मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के रास्ते में यह आखिरी रोड़ा था। यूरोपीय संसद के इस फैसले के बाद ब्रिटेन 31 जनवरी को यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा। But the precondition is that's not on our plate today. यूरोपीय यूनियन की संसद ने गर्मा गर्म बहस के बाद ब्रेक्जिट समझौते को मंजूरी दे दी है। चार साल तक चले उठापटक के बाद यूरोपीय संघ की संसद ने 49 के मुकाबले 621 मतों से ब्रेक्जिट समझौते पर अपनी मुहर लगाई। ब्रिटेन 47 साल पहले यूरोपीय संघ का हिस्सा बना था। वहीं इस अलगाव के दौरान ईयू संसद में काफी भावुक पल देखा गया, जब कुछ सांसद रोने लगे। इस समझौते पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पिछले साल ईयू के 27 नेताओं के साथ बातचीत के बाद अंतिम रूप दे दिया था। अब ब्रिटेन शुक्रवार को यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। हालांकि ब्रिटेन अभी इस साल के आखिर तक ईयू की आर्थिक व्यवस्था में बना रहेगा, लेकिन उसका नीतिगत मामलों में कोई दखल नहीं होगा और ना ही वो ईयू का सदस्य रह जाएगा। बता दें कि इससे पहले ब्रिटेन की संसद ने पिछले हफ्ते ब्रेक्जिट विधेयक को अपनी मंजूरी दी थी। इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने का रास्ता साफ हो गया था। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने को लेकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक बड़ी घड़ी के जरिए काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ब्रेक्जिट से ठीक पहले 31 जनवरी की रात 11 बजे देश को संबोधित करेंगे।